तापी नदी, सूर्य पुत्री कहलाने वाली मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक। ये पावन नदी इसके किनारे बसा सूरत शहर गायकवाड़ी राज का साक्षी सोनगढ़ तालुका और इतिहास की धरोहर को संजोए हुए बैठा उकई गांव एक ऐतिहासिक निर्माण के साक्षी है। एक ऐसा निर्माण जो गुजरात के जल व्यवस्थापन में सबसे महत्वपूर्ण मकामों में से एक है। उकाई बांध देश के सबसे बड़े बांधों में से एक। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लगभग एक दशक बाद गुजरात के दक्षिण भाग में खासकर सूरत जिले में सिंचाई एवं अक्सर आने वाली बाढ़ के आंशिक नियंत्रण के लिए तापी नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस विस्तार को बाढ़ का कहर बार बार झेलना ना पड़े और बांध के द्वारा केवल सिंचाई ही नहीं ऊर्जा उत्पादन जैसा अति महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वर्ष 1961 में आयोजन पंच द्वारा उकाई बहुउद्देशीय योजना को मंजूरी दी गई। ये भौगोलिक विस्तार भी बांध के निर्माण के लिए आदर्श था। इस बांध के निर्माण हेतु राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक खास समिति का गठन किया गया। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस योजना को फरवरी 1962 में कार्यकारी मंजूरी दी गई और वर्ष 1964 में शुरू हुआ इस बहुउद्देशीय योजना का कार्यान्वयन। 29 जनवरी 1972 के दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उकाई बहुउद्देशीय योजना का लोकार्पण किया गया। उकाई बांध के निर्माण से पहले वर्ष 1949 में काकरा पार योजना की शुरुआत की गई जो वर्ष 1957 में पूर्ण हुई। इस काकरापार बियर से 29 किलोमीटर ऊपर की ओर और तापी नदी पर सोनगढ़ तालुका के उकाई गांव के पास निर्मित माटी बांध पत्थर एवं कंक्रीट से बनाए गए उकाई बांध की कुल लंबाई 4,926 मीटर है। उकाई बांध का कुल स्त्राव क्षेत्र 62,225 वर्ग किलोमीटर है। उकाई काकरापार नहर संरचना की कुल लंबाई 4,538 किलोमीटर है जिससे 5 जिलों में 21 तालुका के 1,110 गांवों के 331,557 हेक्टर विस्तार को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इस भव्य संरचना में 22 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे का वजन 176 टन है। उकाई बांध की जल भंडारण क्षमता 7,414 मिलियन क्यूबिक मीटर है जो गुजरात के अन्य सभी बांधों की भंडारण क्षमता के 46% के बराबर है। उकाई बांध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा का उत्पादन। इस बांध में 75 मेगावाट का एक और ऐसे 4 टर्बाइन्स हैं जिनसे पानी को जलाशय में से हाइड्रो पावर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ले जाया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन में से निकलने वाले पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा उकाई बांध की सुरक्षा और संचालन का खास व्यवस्थापन किया जाता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित जलाशय का ये अनूठा संगम स्थान अपने खुशनुमा वातावरण की वजह से हमेशा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उकाई बांध का इतिहास भव्य है। वर्तमान वैभवशाली और भविष्य में भी ये बांध गुजरात के जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखेगा। उकाई बांध देश के सबसे बड़े बांधों में से एक।